Hello and welcome back to another vlog. So, माँ के कपड़े जचाने हैं, जचा रहे हैं हम, जो अभी तक मम्मी आपको बताए नहीं, पर मैं बता रही हूँ. तो चलिए मेरे साथ, आओ. So breakfast हो गया है, and now मम्मी अपनी suitcase जचा रही है. तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है कमरे के अंदर. अच्छा लग रहा है मम्मी? नहीं, ये गला भी ऐसा लग रहा है बेटा, गला फुल है. कुर्ती तो अच्छा लग रहा है. सक सकाट हुए रे, सक सकाट हुए. माँ, मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगी तो हमारा एक पसंद कम हो जाएगा. और पापा को बड़ा बना बैठू क्या? कहा जा रहे मम्मी? अब जा रहे हैं इंडिया. इंडिया जा रहे घर. कब जा रहे हैं? कब जाएंगे? कल. नहीं, अभी तो टाइम है, लेकिन कपड़े सब जमा लेते हैं ना. फिर निकालना पड़ेगा ना डीजे से? नहीं, नहीं, निकालना कुछ नहीं है, बस ये सब पैकिंग होने का ही है. अच्छा, अभी इसमें से निकालना कुछ नहीं है. पैकिंग होने का है. फिर जाके इसका देखिए मम्मी की खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस, बीबा की ड्रेसेस. पापा ये डाल दो. एक जीन्स डाल दीजिए. एक जीन्स टॉप डाल लीजिए. नहीं नहीं, जीन्स टॉप वहाँ नहीं चाहिए क्या? बेंगलोर. अब ससुराल इसलिए भी पहना ही नहीं ना बेटा, इसीलिए. पहने हो कितने बार पहने? ये बैग से लेके गए थे आप? वीडियो है. वहाँ क्यों नहीं पहनते? वीडियो तो भेजते हो आप लोगों को. लोग देख सकते हैं ऐसे कि वहाँ के रहन सहन ऐसा नहीं, हम पहन के दिखा देते हैं. देखो अच्छा, गजब की चाय है आज. थैंक यू. आप जाओ ना मम्मी. मीठा ज्यादा है क्या? मम्मी प्लीज, मम्मी कैसे करते हो? क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या करेगी? वीडियो करूंगी. मम्मी कर रही है. क्या वीडियो करेगी? किसका वीडियो करेगी? रिंकल का. अच्छा, आप रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? क्योंकि मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ. क्यों? अच्छा लगता है. क्या होता है इससे? इससे कुछ नहीं, अच्छा लगता है. क्यों, क्या होता है इससे बताओ? You feel nice, you be dedicated, you eat food, you can become edible. You can't become edible. You can make anything edible. अभी प्लास्टिक एडिबल नहीं. बिना रुद्राक्ष पहने फूड नहीं खा सकते? खा सकते हैं. एग्जाम प्रिपरेशन हो गया? कल क्या एग्जाम है? हो गया. हाउ इज द प्रिपरेशन? यस, 75. अभी और करना है मुझे. कितना कर ले बेटा? नंबर तो एक ही आएगा. कितना? 100. एक कैसे? एक ही आता है हमेशा. सो में किसने बोला? टीचर ने. किसी को नंबर तो बोलिए बेटा. एक ही आवा 10 लिखा भी मैं एक ही आवा, 100 लिखा तो भी एक ही नंबर. नोबिता को आता था हर दिन. जीरो के. उसके लिए रोटा. अब मैं इधर का देख रहा हूँ.
आपके आया था क्या जीरो? आया था क्या? तभी माँ को याद आया, आपके आया था जीरो? जीरो में क्या बड़ा बात है, जीरो हिंदी में याद है क्या मम्मी? हिंदी में जीरो आया था एक बार। हिंदी में जीरो आया था? मतलब पेपर में कुछ लिखे नहीं आप? नहीं ऐसे थोड़ी आया। सच बोलो, सच बोलो। स्कूल में है, फोर्थ क्लास में। हाँ तो कुछ लिखे नहीं, दो घंटा किए क्या फिर? ड्राइंग कर रहा था पेपर में। गाय का निबंध देखो, गाय की ड्राइंग कर रहे थे। एक गाय का निबंध लिखा था ना आपने स्कूल में? गाय का निबंध लिखा था, क्या लिखा था उसमें? कुछ नहीं, छोड़ के आ गया मैं तो गाय के बारे में, पता नहीं था क्या। मेरी हिंदी में अक्षर कभी मैं सही कोई नहीं, माँ ये की माता मैं समझ में कोई नहीं कर देता। मुझे भी नहीं समझ आती, मैं जमीन ज्यादा बस गया। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं गेस मार कर रहा था हिंदी में कि अगर लंबा बोलना होता ना उसे पूछ रहे थे क्या क्लास में? नहीं पूछ रहा था, उसने मुझे पूछा क्या लिखा था, नहीं छोड़ दिया मैं, क्या लिखूं गाय के बारे में, क्या लिखूं? फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटी, बोली गाय हमारी माता है, उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और दूध देती है, ये लिख देता। विभिन्न प्रकार की गाय है भारत में। कुछ गाय दूध देती है, कुछ गाय दूध दे रही थी, कुछ सफेद होती है, कुछ पीली होती है, कुछ नारंगी होती है। नारंगी। अब आपको हिंदी में लिखने देंगे, गाय के बारे में लिख दोगे ना? हाँ लिख दूंगा, बट मिस्टेक्स बहुत आएंगी, अभी भी मेरी हिंदी अच्छी नहीं। हाँ, देखते हैं। चलो अब पापा लिखेंगे निबंध गाय के ऊपर, चैलेंज है ये। नहीं चैलेंज नहीं, नहीं मुझे आपकी बेटी देगी आपको। अच्छा दोनों लिखो, दोनों लिखो आरुषि और आप दोनों लिखो। सो इन दोनों का निबंध का कंपटीशन हो रहा है, हिंदी में निबंध लिख रहे हैं गाय के ऊपर। लेट्स सी, यहाँ पे है श्री जी और यहाँ पे है आरुषि जी। गाय कैसे लिखते हैं? फिर आपको टॉपिक तो लिखना पड़ेगा, गाय कैसे लिखते हैं? गाय ग, ग और आ और य। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीटिंग हो रही है। ओके चलता है श्री जी, आपको हेल्प लेना है मम्मी से आप ले सकते हो। और ये मैंने आज लिखा है निबंध गाय के ऊपर। टीचर को समझ में नहीं आया तो इसे समझ सकती है। क्या लिखा है? गाय देखो क्या हो गया, गया एक परु है। गया देती है। मेरी प्रिय गया गिरी है, गिर है गया के गाय है मम्मी। देख लो क्या दो लग गाय के। आपको पढ़ना आता नहीं है? नहीं माँ पढ़ो, माँ पढ़ो। गया के गाय के गाय के दूध से पनीर बना सकते हैं, पनीर मुझे पसंद है। गाय 25 किलो चारा खाती है। भारत में कई प्रकार की गाय मिलती है। गाय लोगों का वेरी नाइस था, बहुत गाय बड़े गाय बड़े। गधा लग रहा है मुझे तो, गधा जैसा लग रहा है ये तो। गाय के कान देखिए ना क्या खड़े हैं, जैसे ऊपर नहीं होते, नीचे होते गाय। चलिए अब आरुषि का पढ़िए। अरे अपने आप सो में से सो। आरुषि आपको दिखाओ थोड़ा क्लोज अप पे। पापा जाओ, मैं जाओ। आरुषि ने भी ड्राइंग किया है, आरुषि ने भी ड्राइंग किया है। आरुषि का तो चूहा की बिल्ली की तरह लग रहा है। नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। गाय एक प्राणी है, प्राणी। उसके चार पैर हैं, मनुष्य गाय से दूध लेते हैं। दूध लेते देखो देखो नीचे दूध लेते हैं। भारत में
भिन्न प्रकार की होती है, भारत भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि घीर मूढ़ी कुछ लोग गाय को पालते हैं, कुछ लोग गाय के बहुत से रंग होते हैं जैसे कि काला सफेद नारंगी, और ये क्या है बिल्ली। गाय के दूध से भूत प्रकार की मिष्ठान बनते हैं, जोरदार भूत प्रकार के मिष्ठान लिख लो बुलाई मत, पेड़ा रसगुल्ला खीर मावा, देख उधर भी लिखा है और लिखा है इसने अपने आपको मार्क्स भी दे दिया, कितना दिया देखिए 100 में से 200 मार्क्स दे दिया, 100 में से 200 लेकिन मार्क्स देगी दोनों को, पापा को और आरुषि को 10 में से 5 जो भी टीचर भी तो है ना आरुषि, देखो देखो रोंग भी है ना पापा का क्या है कहते हो पापा ने बता सर गया 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 लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाय का स्पेलिंग राइट नहीं है, सो दैट इज यू आर द टीचर राइट, मम्मी को देने दे मार्क्स, आरुषि इज कंप्लीटेबल। हां चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया, वहाँ 0 मिला, 0 से 3 मिला, 2 गलत 3 गलत, मजा आया। कैसे आधा हमारा लगा दिया, आधा कुछ का लगा दिया, जो जो जगह हमें नहीं चाहिए थी उसमें अपना लगा दिया और अपना लगाए नहीं, और ऐसे ऐसे करके आप कुछ जीत गए। कैसा लगा हमारा गेम पता भी नहीं चला और हम जीत गए, देखो हमारा क्या हुआ टिंग 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 है ना मम्मी, इट्स अ ट्राई गाइस। कभी कभी हारना भी अच्छा लगता हम लोग को, हां हमेशा जीतते हम लोग, कभी कभी हारना भी अच्छा लगता है, हारने से आपको नींद नहीं आती है जी, हमेशा जीतते हैं तो कभी कभी हारना भी चाहिए क्योंकि हम बोर हो जाते हैं जीत जीत के, क्या करें। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, don't sleep guys because we're not sleeping, so you sleep but we won't sleep, thank you, bye। शुभ रात्रि। आपका दिन भी अच्छा गया होगा, आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, चलते चलते बाय बाय। मम्मी आपको कुछ बोला है, बाय बाय कल मिलेंगे, चलिए गुड बाय।